ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है। और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपने पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमज़ोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है, जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना